तो मैं भोपाल से हूँ, भोपाली हूँ, लेकिन इंदौर ज़्यादा दूर नहीं है, तो आपसे कनेक्ट कर सकती हूँ, यहीं की हूँ, मध्य प्रदेश की। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जैसा मैम ने बताया कि मैंने कैसे शुरुआत की, या स्कूल में थोड़ा सा दिमाग में था, तो हाँ स्कूल में थोड़ा सा कहीं सोचा था, कहीं शायद पढ़ लिया होगा, कहीं सुन लिया होगा कि नहीं IAS ऑफिसर नाम की कोई चीज़ होती है, लेकिन तब ये भी नहीं पता था कि यार UPSC नाम की कोई एग्ज़ाम है, सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, उससे और भी पोस्ट में आप सिलेक्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नॉलेज नहीं था। जब मैं अपने कॉलेज लेवल में आई, जब कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने भोपाल से ही प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से केमिकल इंजीनियरिंग किया है, और उस दौरान मुझे जब मैंने सोचना शुरुआत की कि क्या बनना है, कंटेम्पलेट किया कि एग्जैक्टली क्या करियर चाहती हूँ, तो लगा कि यार कहीं जो पुरानी ड्रीम थी, एक जो सपना था, वो अभी उसको सामने लाना चाहिए। फिर इस बारे में और पढ़ा, और तब खान स्टडी ग्रुप भोपाल में सेंटर वहाँ पे जैसे शुरू हो गया था, तो मेरा जो फाउंडेशन कोर्स है मैंने वहाँ से किया, और इस एग्ज़ाम के बारे में जो चीज़ें मुझे एक दो साल में समझ में आई हैं, वो कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ जो पहले जय और रचना हम दोनों बोल चुके हैं कि कंसिस्टेंसी। आप अगर दिन में, कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, तो देखिए घंटे मैटर नहीं करते, कोई 17-18 घंटे हमें नहीं पढ़ना है, उतना हम पढ़ भी नहीं सकते, एक दिन पढ़ सकते हैं, दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे, 5 से 6 घंटे ही आपको देने हैं या उतने निकालने हैं, पर वो जो वक्त आप अपनी पढ़ाई को देते हो, वो कंसिस्टेंटली आपको रोज़ उतना ही अपने पढ़ाई को देना है। कंसिस्टेंसी इज़ द की, दैट इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ इस एग्ज़ाम में मुझे लगता है इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जर्नी लंबी होती है, जैसे एग्ज़ाम ही एक साल तक चलती है, आप प्रीलिम्स देते हैं, फिर आप मेंस देते हैं, आप इंटरव्यू में जाते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, तो एग्ज़ाम एक साल तक खुद चलती है, उसके पहले मान लीजिए आप 1-1.5-2 साल पहले से प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये जर्नी काफ़ी लंबी रहती है। उस जर्नी में मेंटली अपने आप को मोटिवेट रखना, अपने आप को बूस्ट करते रहना, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए अपने आप पर भरोसा बेहद ज़रूरी है। यू नीड टू हैव अ फेथ इन योर सेल्फ कि अगर आपने इसमें कदम रखा है, अगर आपने सोचा है कि आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और देंगे, तो आपको ये ठान के उसमें जाना है कि हाँ मैं ये कर सकता या कर सकती हूँ। ये एक अपना मोटिवेशन, अपने साथ एक फेथ बिलीफ अपने ऊपर आपको हमेशा रखना है। कमिंग टू प्रेपरेशन की कैसे तैयारी करनी है, बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं कि आंसर राइटिंग में कैसे करना होता है, आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो मैं शुरू में सबसे पहले ये कहूँगी कि मेरे प्रिपरेशन का बेस 2 चीज़ें रहीं। पहला था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इसलिए मैंने उसको उसी से शुरुआत की क्योंकि करंट अफेयर्स सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। कई बार आपको हिस्ट्री कभी बोरिंग लगेगी, कई बार आपको लगेगा ज्योग्राफी इतना, कभी हर किसी के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, तो मुझे वो जो सब्जेक्ट्स लगते थे कि यार इतना मन नहीं करता है, लेकिन न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स में जो भी नया चल रहा है वो मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगता था। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हो रहा है, क्या सोशल रियलिटीज़ हैं, कहाँ क्या हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पे और हमारे कंट्री पे, तो उसको आप अपना एक बेस बना सकते हो, आप करंट अफेयर्स बेस प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए भी क्योंकि अगर आप मेंस एग्ज़ाम देखेंगे तो काफ़ी डायनामिज्म आ गया है, केवल प्रिलिम्स में नहीं बल्कि जनरल स्टडीज़ पेपर 2 पेपर 3 में भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे सवाल हैं जो करंट इवेंट्स से इंस्पायर्ड होते हैं, उन पे बेस्ड रहते हैं, तो जब आप न्यूज़पेपर बेस्ड करंट बेस्ड पढ़ाई करते हैं तो वो आपका प्रिपरेशन वहाँ से भी कवर हो सकता है। दूसरी जो चीज़ मैंने जिस पे बहुत फोकस किया वो थी आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग का जैसे खान सर बता रहे थे कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत की, तो उसके पीछे मेरा ये था कि जब मैं हमेशा प्रीलिम्स का कोई भी पेपर टेस्ट देती थी, हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो मॉक टेस्ट देती थी तो हमेशा मेरे मार्क्स करीब 90-100, 110-120, इससे ऊपर मेरे कभी मार्क्स नहीं जाते थे, तो मुझे हमेशा ये डर था कि यार प्रीलिम्स में कहीं मेरा कुछ, क्योंकि कट ऑफ भी इसी कुछ रेंज में जाता है, तो हमेशा लगता था कि यार कुछ गड़बड़ यहाँ ना हो जाए। लेकिन जब मैंने आंसर राइटिंग की और मेंस एग्ज़ाम के बारे में जाना, तब मुझे लगा कि आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है, मेंस एक ऐसा फेज़ है सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जहाँ पे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, एंड इफ़ यू हैव रिटन द आंसर्स, इफ़ यू नो कि यू हैव कवर्ड द पॉइंट्स वेल, इफ़ यू हैव इंक्लूडेड उसमें कुछ आपने फैक्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, आपने कुछ ऐसे उसमें सॉल्व भी डाला है, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो सेटिस्फैक्ट्री ही आएगा, अच्छा ही आएगा। तो मेंस एक ऐसा पार्ट है जिस पे आप काफ़ी बैंक ऑन कर सकते हो। मैं जब पर्सनालिटी टेस्ट भी मैंने दिया
तो इस बार भी आप नंबर्स देखेंगे तो आसपास की रैंक के हिसाब से मेरे नंबर्स उसमें कम हैं, लेकिन इट इज़ जस्ट दी जनरल स्टडीज एंड दी आंसर राइटिंग पार्ट, जो मेंस के जो वो है मार्क्स हैं या मेंस का जो एक फैक्टर रहा वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। तो अपना एक्सपीरियंस यही बताऊँगी कि आंसर राइटिंग पर आप विशेष फोकस कीजिए। जैसा स्ट्रक्चर आपको बता ही चुके हैं कि इंट्रोडक्शन में कैसे आपको शॉर्ट रखना है बॉडी एंड देन कंक्लूजन, उसमें छोटी चीज़